आम आदमी पार्टी द्वारा नर्मदा जिल्लानी नांदोद बैठक उपरथी जाहिर करायेला उम्मीदवार डॉक्टर प्रफुल वसावाए बीटीपी अने आप वच्चे गठबंधन तूटवाना मुद्दे पोतानी प्रतिक्रिया आपता जणाव्युं हतुं के गठबंधन तूटता तेमना पक्षने कोई नुकसान थशे नहीं। डॉक्टर प्रफुल वसावाए जणाव्युं हतुं के बीटीपी साथे सामाजिक मुद्दाओने लईने गठबंधन करवामां आव्युं हतुं अने आम आदमी पार्टी हजु पण आदिवासीना हितमां मुद्दाओ लईने ज चालशे तेवुं जणावी आगामी विधानसभानी चूंटणीमां नांदोद बैठक परथी तेवो 1 लाख मत जीतशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। केटलाक सामाजिक मुद्दाओ साथेनो गठबंधन हतुं, हवे ए सामाजिक मुद्दाओ के जेम के अनुसूचित 5 होय, टीएससी नो जे चेरमेन है ए आदिवासी होवो जोईए अने पैसा कानूनना अधिकार मळवा जोईए, ट्राइबलना जे बंधारणीय अधिकार छे आ बधा मळवा जोईए, आ मुद्दे सामाजिक गठबंधननी साथे केटलाक जे बीटीपी आम आदमी पार्टीनो गठबंधन थयुं हतुं, परंतु आ गठबंधन जे तूट्युं छे एना लीधे जे जे अनुसूचित 5 अने जे एमणे जे सामाजिक मुद्दाओ छे ए सामाजिक मुद्दाओ साथे आजे पण आम आदमी पार्टी छे ए लोको पासे जई रही छे अने एना जे मुद्दाओ छे गठबंधनना मुद्दा छे के पछी लोकोना बंधारणीय जे मुद्दाओ छे एटले लोकोने खबर छे कि आज़ादीना 75 वर्ष पछी एकमात्र पार्टी जे बंधारणीय अधिकारोनी वात करे छे ए तमामे तमाम वर्गने के तमामे तमाम धर्मने साथे लईने चालवानी वात करे छे, अंदर समाजनी वच्चे वर्ग विग्रह पैदा करीने वोट बैंक ऊभी करवानी वात करती नथी, दरेक लोकोने समान अधिकार मळे, दरेकने रोजगार मळे, दरेकने समान निधि मळे, बेरोजगार बेरोजगारी भत्तू मळे, तमामे तमाम घरने 300 यूनिट सुधी वीजळी फ्री मळे, आ मोघवारीनी अंदर जे खरेखर जे गामडाना छेवाड़ाना लोको सुधी जे आजे शिक्षणनी व्यवस्था नथी, जे आरोग्यनी व्यवस्था नथी, आजे खानगी कंपनीओ खानगी स्कूलो आ बधी जे लूट चलावी रही छे एनी पर कंट्रोल मात्र ने मात्र आम आदमी पार्टीनी सरकार लावी शके छे। गुजरातनी अंदर भाजप होय के कांग्रेस होय आ बधाए प्रजाने खोटी रीते छेतर्या छे, गुजरातने 27 वर्षथी भाजप लूटी रही छे અને એમના જે ભ્રષ્ટાચારી જે નીતિ છે એનાથી પ્રજા તાહીમામ થઈ ગઈ છે। ગુજરાતની હોય કે નર્મદા જિલ્લાની અંદર હોય, આ વખતે ભાજપ આ નર્મદા જિલ્લાની નાંદોદ બેઠક પર એમની ડિપોઝિટ પણ બચાવી નહીં શકે। 1 લાખથી વધુ મત સાથે આમ આદમીની પાર્ટીને ઉમેદવાર તરીકે હું ડૉક્ટર પ્રફુલ વસાવા નાંદોદ વિધાનસભા જીતી રહ્યો છું।